टेक टिप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एयरटेल के 33 रुपीज के रिचार्ज प्लान के बारे में। इसमें आपको कितना डेटा मिल रहा है और टॉक टाइम वैलिडिटी SMS और दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन हो चुका है, हम मैनेज की स्क्रीन में है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके चले जाइए, यहाँ आपको शॉर्टकट्स मिलेगा जिसके अंदर रिचार्ज का पहला ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों आप रिचार्ज की स्क्रीन पे आ जाएंगे और ऊपर ही आपको प्रीपेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों फिर से आप रिचार्ज की स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ ऊपर मेन्यू है जिसमें रिकमेंडेड पैक सेलेक्टेड है, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए। यहाँ आपको 33 रुपीज का रिचार्ज प्लान मिलेगा, इसकी डिटेल्स जानने के लिए व्यू डिटेल्स की बटन पे टैप कीजिए। टैप करते ही पैक डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। दोस्तों 33 रुपीज के रिचार्ज प्लान में आपको 2 GB डेटा मिलेगा और वैलिडिटी 1 दिन की मिल रही है। इसमें आपको कोई टॉक टाइम, कोई SMS और दूसरे बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे। टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है डेटा टैरिफ पोस्ट कोटा कंप्लीशन विल बी चार्ज्ड एट 50 पैसे पर MB, यानी कि जो भी कोटा आपको मिला है उसके कंप्लीशन के बाद 50 पैसे एयरटेल चार्ज करेगा आपसे। इसकी और जानकारी के लिए नीचे टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।